हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। मार्च का महीना है, ये जरबेरा के प्लांट्स खिल रहे हैं, फ्लावरिंग हो रही है इनमें। और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे इस टाइम जब मौसम बदलता है कैसे इसमें इन्फेस्टेशन होते हैं। और अगर गार्डन में ये मिली बग्स का इन्फेस्टेशन हो गया तो ये कीड़े होते हैं जो पूरा सैप लेते रहते हैं और एक प्लांट में आने के बाद पूरे गार्डन में फैल जाते हैं। इनको रिमूव करना इजी होता है अगर आपने इनिशियल फेज में इसको पकड़ लिया। ये देखिए, ये पूरे में ये जो है ये मिली बग्स हैं और ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। और पूरे गार्डन में फैलने से पहले आप इसको ट्रीट कर लीजिए। आप ट्रीट करने के लिए कई चीज़ें हैं, देखते हैं हम लोग कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहले अगर कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे तो आप गमले को थोड़ा लिटा दें। लिटाने का रीज़न ये है कि ये मिली बग्स जो हैं ये इसमें ना जाए, ये कंटेनर के अंदर ना जाए। अब हम लोग ने इस गमले को लिटा दिया है। लिटाने के बाद और क्लियर पिक्चर आ गई है कि कैसे इसमें मिली बग्स सारे में स्टॉक्स में फ्लावरिंग स्टॉक में चिपके हुए हैं। फ्लावर्स तो बहुत सुंदर है मगर ये बग्स को निकालना ही पड़ेगा, नहीं निकाला तो ये पूरे गार्डन में फैल जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से तरीके से हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अगर शुरू होता है तो आप ऑर्गेनिकली इसको ट्रीट करते रहें। मेरे ध्यान से उतर गया और ये प्लांट में एकदम भी मैंने प्रिवेंटिव नीम ऑयल नहीं डाला है, तो ये इतना रिजल्ट इसका ये दिख रहा है। कई बार हो जाता है, ये बहुत कॉमन है। अभी मार्च अप्रैल मई तक भी खूब अच्छे से इसमें इन्फेस्टेशन गार्डन में आप देख सकते हैं। मौसम जब भी बदलेगा तब ये इन्फेस्टेशन होगी, और अगर होती है तो गार्डन को बचाने का एक ही तरीका है कि या तो इसको एकदम सेग्रीगेट करके अलग रख दें या इसको ट्रीट कर लें। और एक बार में ये रिमूव नहीं होते हैं, कोई भी ट्राई कर लीजिए मेथड, ऑर्गेनिक या केमिकल, तो हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो दो तीन बार एटलीस्ट इसको थोड़ा हम लोग को ट्रीट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पॉट को लिटाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या होगा। ये अब बहुत सारे ऑप्शंस हम लोग देखेंगे जिससे हम लोग रिमूव कर सकते हैं इन्फेस्टेशन। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक तरीका देखते हैं, सिंपलेस्ट क्या है। ये सिंपल लिक्विड सोप है, आप स्प्रे बॉटल में डाल के, और स्प्रे अलग से मिल जाते हैं बहुत सस्ते, 50-60 रुपए में, इनफैक्ट 40 में भी मिल जाते हैं, 30-40 में भी मिलते हैं, अलग अलग वैरायटीज होती हैं। और इसको कुछ ड्रॉप्स डाल के इससे वॉश आउट कर सकते हैं। इसके साथ आप नीम ऑयल डाल सकते हैं, वो और थोड़ा इफेक्टिव हो जाता है। अगर ये नहीं करना चाहते तो ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा थोड़ा सा हाफ अ टी स्पून इन 500 ml ऑफ वाटर डाल के आप अच्छे से शेक करके उससे भी रिमूव कर सकते हैं। अब थर्ड ऑप्शन है बायो एंजाइम, अगर आपने बना रखा है वो भी बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन है कि खाली छोटी बॉटल का ये 5 ml लेके, 1 लीटर में ये 500 ml में, और ये बना हुआ है, 3 महीने पुराना है, मैंने इसको डिकेंट करके रखा हुआ है, ये मिक्स करके अच्छे से स्प्रे करके रिमूव कर सकते हैं। आप बायो एंजाइम का मैं लिंक डाल दूंगी, आप बना सकते हैं कई सारी चीज़ों का, जैसे ये मैंने नारंगियों का बनाया है, या चाइना ऑरेंज जिसको कहते हैं, ये हम लोग ने गेंदे के फूल का बनाया है, ये सिट्रस बायो एंजाइम है, 3 महीने में तैयार हो जाएगा, इससे कर सकते हैं। या फिर अगर इन्फेस्टेशन आपका बहुत ज़्यादा हो गया है तब आप ये इमीडा क्लोप्रिट से इसको स्प्रे करके रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है अगर आपका इन्फेस्टेशन ज़्यादा है। वेजिटेबल्स पे ना डालें, फ्लावरिंग प्लांट पे डाल सकते हैं, बहुत डाइल्यूट करके 2 या 3 ड्रॉप्स में डालती हूँ इसमें 500 ml की बॉटल में। अगर आधा पानी लिया है, क्योंकि ये पानी आप स्टोर ना करें तो बेटर है, तो मैं आधी बॉटल में करीब 2 ड्रॉप डालूंगी और इससे इमीडिएटली ये रिमूव हो जाते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा हम लोग मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक में दिखाती हूँ कि कैसे ऑर्गेनिक आप रिमूव कर सकते हैं। ये है बायो एंजाइम। बायो एंजाइम अगर आप इसको, ये बहुत अच्छा क्लेंजिंग एजेंट है, इसको अगर आप, ये ढक्कन है
इसमें थोड़ा सा हम लोग ने लिया, पूरा भरा भी नहीं है। और इसमें डालने के बाद इसको अच्छे से स्प्रे बॉटल तैयार करके इसको खाली ऐसे करके पानी से जो ये सॉल्यूशन बनाया है इससे रिमूव करेंगे तो ये निकल जाते हैं। और इसको आप रेगुलरली रिमूव करेंगे 3-4 बार। ये बायो एंजाइम बहुत इफेक्टिव है और आप इसको ज़रूर बनाएं। ये मैं घर की फ्लोर क्लीनर की तरह भी यूज़ करती हूँ। ये देखिए सारे निकल गए। ये पूरा क्लीन हो गया है। अब ये सारे जितने भी मिली बग्स थे ये सारे निकल के नीचे गिर गए हैं और ये क्लीन हो गया है प्लांट। तो बहुत इजी तरीका है ऑर्गेनिकली। देखिए हिलता हुआ भी दिख रहा है, ये अभी अलाइव है। इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो ये इसके लार्वा और एग्स इधर उधर स्प्रेड करके पूरे प्लांट में, पूरे गार्डन में फैल जाएंगे। और ये एकदम क्लीन हो गया है। अब इसकी लीव्स भी आप चेक करेंगे नीचे से, क्योंकि कई बार लीव्स के नीचे भी इन्फेस्टेशन हो जाता है। तो ये ज़रूर कोशिश करिए कि लीव्स के नीचे चेक करें, छिप के रहते हैं ये इंसेक्ट्स और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पूरे प्लांट में फैल गए। अब ये जितने भी टेंडर पार्ट्स हैं, जितने टेंडर पार्ट्स होंगे प्लांट के, उनमें ये इन्फेस्टेशन बहुत इजी कॉमन है। और प्लांट के वो इंसेक्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो टेंडर पार्ट का ही लाइक करते हैं सैप लेना। तो ये इसको अगर इमिडाक्लोप्रिड यूज़ कर रहे हो तो आप एक दो ड्रॉप डाल के खाली इसको ऐसे स्प्रे कर सकते हैं। और वैसे ये मैंने इसको ऑर्गेनिकली क्लीन कर दिया है, आपको दिखाने के लिए मैं इमिडाक्लोप्रिड डाल रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो जाए तब ये ज़रूर यूज़ करें, नहीं तो कुछ दिनों में ये पूरे में गार्डन में आपके स्प्रेड हो जाएगा। इसका एक और रिमूव करने का तरीका बहुत सिंपल है कि ये खाली लिक्विड सोप डालिए, खाली लिक्विड सोप 2-3 ड्रॉप्स डाला है मैंने। अब इसको डाल के शेक कर लेंगे इसको, और इससे जो ये वैक्सी पार्ट होता है वो थोड़ा लूज हो जाता है और ये जो इन्फेस्टेशन होती है बहुत जल्दी निकल जाती है। ये एक और इन्फेस्टेशन है जिसको लीफ माइनर कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।